ओ मैं ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकाभदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीसह गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे छय गोसाई करि चरण वंदन जहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। वहाँ पर कोई ट्रांसलेशन करने वाले कोई नहीं ना, अंग्रेजी में कोई नहीं ट्रांसलेट। वो बच्चा कहाँ गया? तुम कर सकते हो बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की। राधा विनोद बिहारी जीव की। गौर नित्यानंद प्रभु की। गिरिराज महाराज की। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि की हरि बोल। ओ हरे कृष्ण। वहां वहां चल जा वहां। हरे कृष्ण। हाँ
हम लोग गत गल श्रवण कर रहे थे श्रीमान महाप्रभु कौन है और श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में क्यों आते हैं, महाप्रभु का धाम क्या है, महाप्रभु का धाम का विशेष वैशिष्ट्य क्या है। इसलिए महाप्रभु का जो धाम है जैसे कृष्ण नाम है, बोले कृष्ण नाम करे अपराधिर विचार, अपराधिर नाम लैले नाहे विकार। अगर हमारा अंदर में अपराध है, अगर कृष्ण नाम करे तो ये कृष्ण नाम हमें प्रेम नहीं देगा। लेकिन गौर नित्यानंद नामे ये सब नहीं का विचार, लेकिन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम में ये कोई अपराध का विचार नहीं है। नाम लयते प्रेम ते बहे असुधार, कहते सारे अपराध हमारे अंदर में सारे अपराध है, लेकिन अपराध रहते हुए भी अगर कोई महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम बोले हृदय द्रवीभूत हो जाएगा, हृदय में प्रेम आएगा। इसलिए बोले गौरांग बोली ते हवे पोलक शरीर हरि हरि बोली ते ना ज्ञान बबे नीर आर कबे नीताई चंदे कहते हैं बोले गौरांग बोली तहवे पुलक शरीर, सारे अपराध तुम्हारे अंदर में सारे अपराध है, लेकिन महाप्रभु का नाम नित्यानंद प्रभु का नाम लो अपने आप हृदय पुलकित हो जाएगा। तब कहते हैं हरी हरी बोली ते नयने बबे नीर, वो दूसरे वाणी में कह रहे हैं, पहले बोल रहे हैं गौरांग बोली तहवे पुलक शरीर, महाप्रभु का नाम लेने पर अपने आप तुम्हारे जो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर हरी हरी बोली ते नयन बबे नीर, जब फिर हम हरी हरी बोलेंगे कृष्ण नाम लेंगे फिर आंखों से आंसू बहेगा। हाँ, इसलिए जब हम ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इसलिए ये नाम लेने से पहले नियम है, पहले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद, पहले ये नाम लेनी चाहिए। ये नाम को ले करके हरिमाला में ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें जप करनी चाहिए, क्योंकि इनका नाम लेने पर अपराध दूर हो जाता है। हाँ, इसलिए महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहते ये बड़े दयालु बड़े कृपालु है। इसलिए जिन जिन्होंने कृष्ण लीला में अपराध किया है, जैसे ब्रह्मा जी कृष्ण का बछड़े और सखा को चुरा रहे थे, वो पहले पता नहीं था ये भगवान, जब पता चला ये भगवान, ब्रह्मा जी आकर के बहुत नाक रगड़े, पूरा साष्टांग प्रणाम किया कृष्ण को चरण में, कृष्ण की बड़ी बड़ी उन्होंने स्तुति की है, बड़े अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजो गोसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, बड़ी बड़ी भगवान कृष्ण को स्तुति करते, बड़ी बड़ी स्तुति किया कृष्ण की, बड़ी बड़ी स्तुति की, लेकिन हृदय से कृष्ण अपराध माफ नहीं की। इसलिए ब्रह्मा जी ने देखा अभी मुझे क्या करनी चाहिए, मैं तो बहुत नाक रगड़ा सीधा चरण में लेट गया, ठाकुर जी की इतने स्तुति स्तव किया लेकिन थोड़ी सी मुस्कुरा भी नहीं रहे, थोड़े खुश भी नहीं हो रहे। फिर ब्रह्मा जी ने देखा यही महाप्रभु कलियुग में जब सचिनंदन गौर हरि होकर के आएंगे, राधा रानी के भाव और अंग कांति लेकर के बड़े दयालु बने बड़ी कृपालु बनेंगे, क्यों ऊपर चुके राधा रानी का भाव और अंग कांति लेंगे, राधा रानी हमारी बड़ी दयालु है, कन्या बड़े टेढ़े हैं काले हैं तीन जगह में टेढ़े हैं, लेकिन हमारी राधा रानी गोरी है और सीधा पूरी पूरी एक बड़े सीधा है,
इसलिए वृंदावन में जाओ कोई कृष्ण कृष्ण नहीं, सब राधे 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 राधे, सब राधा रानी का नाम लेते हैं वृंदावन में। इसलिए देखा ये जब महाप्रभु रूप लेकर के आएंगे और बड़े दयालु बनेंगे, इसलिए फिर ब्रह्मा जी फिर ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर बन करके आए, हाँ आकर के महाप्रभु लीला में तीन तीन लाख हरि नाम प्रचार किया, तीन तीन नाम हरि नाम करके सर्वत्र हरि नाम की महिमा को उन्होंने प्रचार किया। मतलब इंद्र भी अपराध किया कृष्ण लीला में, उन्होंने पूरा ब्रज मंडल को पूरा डूबन के लिए 7 दिन तक उसने पूरा जी जान लगा दिया, 7 दिन तक शिला वृष्टि वज्रपात बिजली गिराए ओले गिराए सारे चेष्टा कर लिया, लेकिन जब इंद्र को पता चला ये कृष्ण साधारण नहीं, ये मेरे प्रभु का प्रभु है जिन्होंने मुझे कृपा करके ये इंद्रपद को दिया था, जब उनको पता चला ये भगवान, फिर उन्होंने अभी इंद्र भी आकर के भगवान को अभिषेक कराया और उनने गोविंद नाम भी रखवाया। लेकिन इंद्र जी ने देखा भगवान मेरे को हृदय से माफ नहीं किए, हृदय से भगवान मेरे को माफ नहीं किए, फिर इंद्र ने क्या किया, उन्होंने देखा यही कृष्ण कलयुग में महाप्रभु बन करके आएंगे, चैतन्य महाप्रभु बन करके, फिर इंद्र आकर के हाँ जहाँ पर सुरभि कुंज, हम परिक्रमा में जाते हैं ना नवद्वीप परिक्रमा में, जहाँ पर सुरभि कुंज हैं, कहते वहीं पर आकर के सुरभि की अनुगत्य में उन्होंने महाप्रभु की उन्होंने आराधना की, फिर महाप्रभु कृपा करके चैतन्य महाप्रभु दर्शन देते हैं। हाँ कहते मैं कलयुग में इसी नवद्वीप में सचिनंदन गौर हरि बन करके आऊंगा, सचिनंदन गौर हरि बन करके आऊंगा, तुम जन्म लो। फिर इंद्र भी महाप्रभु को लीला में फिर जन्म लेते हैं। कि जैसे श्रीमन महाप्रभु दयालु हुए, महाप्रभु बड़े कृपालु हुए, कहते उनका जो धाम है नवद्वीप धाम, क्योंकि भगवत अभिरण ये नवद्वीप धाम है, इसलिए नवद्वीप धाम भी बड़े दयालु। हम कल सुन रहे थे ये नवद्वीप धाम क्या है, क्या है कौन बोलेगा, क्या सुने थे कल नवद्वीप धाम क्या है, नवद्वीप धाम क्या है, क्या है नवद्वीप धाम क्या है, कल क्या सुने थे सब भूल गए ना, अरे कोई एक बोलो नवद्वीप धाम है क्या चीज, कौन बोलेगा, सब फेल हो गए, हाँ थ्री ये अरे पास सबके लिए बड़ी फेल। इसलिए कहते नवद्वीप धाम नहीं, और राधा रानी अपना हृदय से, राधा रानी अपना हृदय से ये नवद्वीप धाम नहीं, ये नव कुंज है, ये नवद्वीप नहीं, ये नव राधा रानी का हृदय से ये नव कुंज प्रकट हुआ है, ये नवद्वीप धाम नहीं, कृष्ण सेवा के लिए ये राधा रानी स्वयं ये कुंज रूप में प्रकट हुई है। इसलिए जो नवद्वीप जो धाम है कहते ये गुप्त वृंदावन है, इसलिए कहते हैं जब कोई वृंदावन का परिक्रमा करे केवल आपको वृंदावन धाम परिक्रमा का फल मिलेगा, आपको नवद्वीप धाम परिक्रमा फल नहीं मिलेगा। लेकिन जब श्री नवद्वीप धाम का कोई परिक्रमा करेगा आपको दोनों हाथ में लड्डू लड्डू है, दोनों हाथ में लड्डू है, आपको नवद्वीप धाम का परिक्रमा तो करने का फल मिल ही जाएगा, कहते उसको साथ साथ में आपको ब्रजमंडल परिक्रमा का फल भी मिल जाएगा दोनों, क्योंकि वो गुप्त वृंदावन है। वृंदावन जैसे वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड नंदगाम बरसाना ये सब के सब श्री नवद्वीप धाम में विद्यमान है। नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से दोनों धाम का परिक्रमा फल मिल जाएगा, और विशेष करके जो नवविद्या जो भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत अध्या तन्मन्ये धीतमोतम। जो प्रह्लाद महाराज को पिताजी ने पूछा
बताओ जितने सारे विद्या में सबसे बढ़िया विद्या क्या है? प्रहलाद ने देखा सब लोग बैठे हुए, मेरे गुरु जी से जो सुना है, नारद जी से, सबको सुना देता हूँ। उनको पता चले सबसे बढ़िया विद्या क्या है जगत में, सबसे बढ़िया विद्या। उन्होंने बोले पिताजी, कोई व्यक्ति भगवान का चरण में संपूर्ण शरणागत होकर के जो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवा वो जो नव विद्या भक्ति को जो जाजन करता है, ये सबसे श्रेष्ठ विद्या है। इससे बड़ा विद्या जगत में कुछ नहीं है। अरे जगत का जितने विद्या, कोई पीएचडी किया, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, हाँ कोई सीए किया है, लेकिन शरीर छूटते ही सारी विद्या समाप्त, सारी डिग्री यहीं पर खत्म, कोई डिग्री साथ में जाने वाले नहीं। इसलिए महाप्रभु बोले एदहा छाड़िया चली ले विद्या वा पौरुष संगे किछु नहीं चले, शरीर छूटते ही सारे ज्ञान प्यान यही रह जाए। और चार व्यक्ति जब कंध ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य, यही बोलते बोलते ले जाएंगे, साथ में कोई डिग्री विग्री नहीं जाएगी। इसलिए मीरा कहती है जो प्रेम है, जो ढाई अक्षर अगर किसी ने पढ़ लिया, सबसे बड़ा से पंडित, सॉरी सबसे बड़ा पंडित है जो प्रेम, ये ढाई अक्षर किसने जीवन में पढ़ लिया है, सबसे बड़ा पंडित वही है। इसलिए कभी जो नवद्वीप जो धाम है, जो नौ जो कुंज है, जब हम नवद्वीप धाम परिक्रमा करने जाते हैं, जब एक एक आइलैंड में जाते हैं, जाने पर जो श्रवण कीर्तन जो विष्णु स्मरण जो नवविद्या भक्ति, वो धाम में जाते ही अपने आप आपको वही भक्ति का फल मिल जाएगी, अपने आप वो भक्ति का नौ तरह भक्ति का फल केवल परिक्रमा मात्र से मिल जाएगा। और ये नौ विद्या जो भक्ति है, एक एक भक्त ने एक एक भक्ति का अंगों को जाजन करके भगवत प्राप्ति किया, एक एक भक्ति का अंगों को जाजन श्रवण के द्वारा किसने प्राप्त किया, परीक्षित महाराज, बोले कीर्तन के द्वारा किसने भगवान को प्राप्त किया, सुखदेव गोस्वामी, बोले स्मरण के द्वारा प्रहलाद महाराज, हाँ बोले बंधन के द्वारा अक्रूर जी, बोले आत्मनिवेदन में बलि महाराज, बोले दास्य के द्वारा हनुमान, सख्य के द्वारा अर्जुन, पाद सेवन के द्वारा लक्ष्मी। एक एक भक्ति का अंग को भक्तों ने पालन करके भगवत प्राप्ति हो गई, नौ विद्या भक्ति को, हाँ एक एक भक्ति को अगर निष्ठा पूर्वक, तो जो नवद्वीप जो धाम अगर कोई परिक्रमा करने के लिए जाए, उसको एक साथ में सारे भक्ति का अंग अपने आप उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये नवद्वीप धाम की इतने दयालु इतने कृपालु श्री नवद्वीप धाम, बोले श्री नवद्वीप धाम की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कल हम श्रवण कर रहे थे जगत में महाप्रभु आने का क्या कारण है। कल हमने पहला कारण सुना था, पहला कारण क्या था, क्या था पहला कारण महाप्रभु आने का, क्या था, क्या था, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरि सुमेरि नर उतर ही पारा। कलयुग में जो युग धर्म है, हाँ भगवान का नाम संकीर्तन है, जिसको कहते हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम युव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। इसलिए ये बृहद नारदीय पुराण में कलि संतरण उपनिषद में बताया, कलयुग में भगवान का नाम भगवान का नाम भगवान का नाम नहीं नहीं नहीं, ये तीन तीन बार बताए। बोले भैया तीन बार क्यों बताए, एक बार ही बोल दे तो भगवान का नाम मिलो, यहाँ ये तीन तीन बार क्यों बता दिए। बोले कारण है किसी बात को जब हम तीन बार बोलते हैं तो दृढ़ हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। दूसरा कारण है हम कलयुग का जीव, एक बार बोलने पर हम नहीं सुनेंगे, एक बार किसी बात को बोलना हम नहीं सुनेंगे, नहीं तो कोई जोग में चले जाएंगे, नहीं तो कोई ज्ञान में चले जाएंगे, नहीं तो कोई कर्म मार्ग में जाएंगे, हाँ सुनेंगे नहीं। इसलिए यहाँ पर तीन तीन बार बोले बोले
नहीं नहीं नहीं, अगर भगवान के नाम छोड़ करके कलयुग में और किस रास्ता में जाओ तो कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ तुमको नहीं मिलेगा, ये शास्त्र का निर्देश है। हाँ, इसलिए तीन तीन बार यहाँ पर बताए, इसलिए भगवान का नाम कलयुग में भगवान का नाम, बोले भगवान का नाम में बोले दो तरह का ठाकुर जी का नाम है, एक है गौण नाम और एक है मुख्य नाम। दो तरह का नाम, एक गौण है और एक मुख्य है। बोले जो गौण नाम क्या है, बोले जगत नियंता परमात्मा। हाँ, ये सब जो जो नाम है, ये सब नाम है, सब गौण नाम है। लेकिन बोले जो मुख्य नाम क्या है, बोले जैसे गोविंद, हरि, कृष्ण, राम, नारायण, ये जो नाम है ये मुख्य नाम है भगवान की, ये मधुर नाम है। बोले मुख्य नामों में भगवान की सबसे प्यारा नाम क्या है, भगवान का मुख्य नाम में से सबसे बढ़िया नाम क्या, सबसे मीठा नाम क्या है, तो यहाँ पर बताए। कहते श्री पार्वती शंकर जी से पूछे, बोले कौन सा नाम को हम ग्रहण करें, तब शंकर जी बोले पार्वती, हाँ बोले आराधनानाम सर्वेशां विष्णु आराधनां पर, बोले जितने सारे नाम में जो मुख्य नाम भगवान विष्णु का नाम है, भगवान नारायण का नाम है, तभी पार्वती विष्णु सहस्र नाम को करती थी। शंकर जी बोले पार्वती इससे भी एक अच्छा नाम है, बोले कौन सा नाम है, बोले राम रामेति रामेति रम रमे मनोरमे सहस्र नामा विस्तुल्यम श्री राम नाम परानति। बोले हे पार्वती, विष्णु नाम से भी राम नाम श्रेष्ठ है, 1000 विष्णु नाम से जो फल मिलेगा, एक बार राम नाम से वही फल मिलेगा। इसलिए मैया पार्वती भगवान राम के नाम लेती थी। शंकर जी और एक दिन बोले पार्वती ये राम नाम से भी एक मीठा नाम, बोले कौन सा नाम, बोले सहस्र नाम नाम पुण्या नाम त्रिरा वित्वा तुजत फलम एक अभृत्वा तु कृष्णस्य नामैकतद प्रजच्छति। बोले विष्णु सहस्र नाम को तीन बार बोलो, 3000, एक बार कृष्ण नाम बोलो, वही फल मिल जाएगा। मतलब एक कृष्ण नाम समान 3 बार राम नाम, 3000 विष्णु नाम। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो नाम है मीठा से मीठा भगवान कृष्ण का नाम। बोले कृष्ण नाम से भी एक मीठा नाम, बोले कौन सा नाम है, कौन सा नाम, राधा रानी का नाम। इसलिए ये कृष्ण ये चंद्रमा को कहते हैं, बोले चंद्रमा, बोले मम नाम सतनापि राधा नाम सदूतम ज करोति सदा राधाम ना जाने महिमा किम तम। कहते मेरे नाम को कोई सवार ले ले, एक बार कोई श्री राधा रानी का नाम ले, एक बार राधा रानी और मेरे नाम सवार बराबर है। इसलिए जगत में सबसे जो मीठा नाम है श्री राधा रानी का नाम है। इसलिए सबसे बढ़िया नाम क्या है, राधा रानी और कृष्ण। इसलिए हम लोग सबसे जो बढ़िया नाम है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, ये सबसे मीठा नाम भगवान की। चलिए जैव धर्म में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म में ये सब बात को बताए। भले नाम तो हम कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ अपराध का भी विचार है। केवल जैसे दवा तो बहुत बढ़िया मीठा, दवा बड़ी मीठी है, लेकिन दवा को परहेज को साथ में लेंगे तो फिर दवा बढ़िया काम करता है। हाँ? अगर बगैर परहेज के अगर दवा लेंगे फिर तो दवा बड़े देर से काम करेगी, बड़े देर से काम करेगी। इसलिए दवा को साथ में परहेज हमें करनी चाहिए। बोले परहेज क्या है, बोले अपराध रहित होकर के, अपराध को छोड़ करके ये हरे कृष्ण महामंत्र लेनी चाहिए। इसलिए बोले एक नामा अपराध है, एक नामा भास है, हाँ ये छाया नाम है। इसके भक्त विनोद ठाकुर ये हरिनाम चिंतामणि एक ग्रंथ लिखे है, हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ है। कल हम सुन रहे थे ना भगवान का नाम क्या है,
नाम चिंतामणि कृष्ण, कल हम सुन रहे थे भगवान का नाम नहीं ये चिंतामणि, जो मांगो वही दे देगा, कल हम सुन रहे थे, याद है कि नहीं? गल्प कथा याद है कि नहीं? किसको किसको याद है, हाथ खड़े कर दो, कल मैंने जो सुना था जोर से हाथ खड़ा करो, किसको किसको याद है? मैंने जो बताया पहले उसको कायन मिला एक एक रुपया गिरो, फिर 100 रुपया गिरो, फिर 5 रुपया गिरो, फिर 1000 रुपया गिरो, फिर क्या मिला? सोने, उसके बाद में क्या मिला? स्पर्शमणि, उसके बाद में क्या मिला? कौन बोलेगा? स्पर्शमणि के बाद में क्या मिला? जोर से हाथ उठाओ तो कौन बोलेगा? क्या मिला था? सीमंतक मणि। सब भूल जाते हो, इसलिए सीमंतक मणि, और लास्ट में क्या मिला? चिंतामणि। इसलिए भगवान का नाम नहीं ये चिंतामणि, जिसको प्राप्त करने पर जो कुछ मांगो भगवान का नाम सब कुछ दे देता है। इसलिए भगवान का नाम नहीं ये चिंतामणि, सब कुछ इच्छा को ये पूरी करने वाले, ये साधारण वस्तु नहीं। इसलिए यहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हमें नाम अपराध छोड़ करके, नामाभास छोड़ करके, छाया नामाभास छोड़ करके, हमें शुद्ध नाम करना पड़ेगा, तब ये जो नाम है, मतलब एक नाम, हाँ कहते एक कृष्ण नाम में इतने शक्ति, कहते तुम्हारे सारे पाप खत्म करके ये कृष्ण प्रेम को प्रदान कर दे, एक कृष्ण नाम, मतलब पापी रस साधना ही तत पाप करे, एक कृष्ण नाम जतो पाप हरे, एक कृष्ण नाम जितने पाप को नष्ट करता है, हमारा हिम्मत नहीं हम उतने पाप कर सकते, एक शुद्ध नाम में इतने शक्ति है, मतलब कृष्ण प्रेम को प्रदान कर देता, मतलब तभी हम इतने नाम ले रहे, कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब एक कृष्ण नाम से भगवत प्राप्ति, लेकिन हम इतने नाम ले रहे क्यों नहीं हो रहा है? मतलब कारण है, घड़ा तो है, घड़ा में तो पानी भर रहे हैं, लेकिन बहुत उसमें छेद है, घड़े में बहुत सारी छेद है, इसलिए सारे पानी निकल भी जा रहे हैं, वो कोई पानी टीक नहीं रहा है, हाँ वो पानी टीक, इसलिए छेद को हमें बंद करनी चाहिए, इसका मतलब है अपराध रहित होकर नाम करनी चाहिए। फिर यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर को प्रश्न करते हैं, बोले ये तो बहुत कठिन है, बोले 10 तरह का अपराध है, हाँ उसमें 9 तरह का अपराध को अगर हम कोशिश करें हम छोड़ सकते हैं, अगर बहुत कोशिश करें वो अपराध को छोड़ के, जैसे वैष्णव निंदा, गुरु अवज्ञा, हाँ शुद्ध शास्त्र का निंदन करना, जो 10 तरह का जो ना अगर कोशिश करें तो उसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन बोले एक तरह का जो अपराध है बहुत कठिन उसको छोड़ना, बोले वो कौन सा है? बोले ये शरीर का प्रति मैं और ये शरीर संबंधी वस्तु मेरा, मैं मेरा ते तेरी ये माया, हाँ कहते ये शरीर का प्रति मैं और शरीर संबंधी वस्तु मेरा, इसको छोड़ना बहुत कठिन, उसको सहज में जिम छोड़ नहीं सकता इस शरीर आसक्ति को। फिर बोले फिर क्या उपाय है? बोले इसका फिर उपाय क्या है? बोले एक उपाय है, अगर कोई व्यक्ति निरंतर नाम करे, उठते बैठते सोते चलते हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हर समय ये नाम करते रहे, करते 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 ये नाम को, अपराध कब होता है? जब हमें कोई मौका मिलता, समय मिले, अगर सारा दिन हरि नाम कर रहे हो, सारा दिन मुंह से भगवान के नाम निकल रहा है, सारा दिन भगवान का नाम ले रहे हो, पर तुमको फुर्सत नहीं मिलेगा नाम अपराध करने के लिए, हाँ कोई दूसरे चीज को याद करने के लिए तुम्हारी फुर्सत ही नहीं मिलेगा, सारा दिन तो भगवान का नाम ही कर रहे हो। इसलिए कहते भक्त मां ठाकुर कहते कही केवल एक ही उपाय यही है, इसलिए महाप्रभु कहते की शयन है की भोजन है की वा जागरण है, शयन भोजन जागते उठते अहर ने सचिंत कृष्ण बोलो बोला, हर समय भगवान की नाम लेनी चाहिए, हर समय कुछ समय हमें ऐसे निकालनी चाहिए। देखो एक चीज को अच्छे तरह समझो, एक चीज को अच्छे तरह से समझो, कभी कभी ऐसे होता है हम भक्ति में आते हैं,
भजन में आते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद में फिर भजन को छोड़ देते हैं, भजन छोड़ देते हैं। हम कहते हैं इतना दिन तक भजन के हमें कुछ मिला ही नहीं, हमें कुछ मिला ही नहीं, हम भजन इतना दिन तक के हमको तो मिला ही नहीं, कभी कभी भजन छोड़ देते हैं। बोले ये भजन को हम क्यों छोड़ देते हैं? बोले कारण क्या है? बोले कारण है हमें कुछ अनुभूति नहीं मिली, हमें कुछ अनुभूति नहीं मिली। जैसे रसगुल्ला बड़ा मीठा है, हाँ हमने सुना रसगुल्ला मीठा है। जैसे दो व्यक्ति, एक व्यक्ति रसगुल्ला खाया, दूसरा व्यक्ति नहीं खाया रसगुल्ला। रसगुल्ला खाए, नहीं तो यहाँ बढ़िया मीठा कौन सा मीठा है? हाँ रसमलाई हो, नहीं तो रसमलाई। जैसे कोई दो व्यक्ति, एक व्यक्ति खाया एक व्यक्ति सुना। जब कोई जो व्यक्ति खाया है रसगुल्ला रसमलाई, उसको बोलो भैया रसगुल्ला रसमलाई कैसे, उसको मुंह से पानी आ जाएगा। बोले जो बोलेगा ना बहुत मीठा है, बहुत स्वाद है रसमलाई, बड़ा स्वाद है। लेकिन जो खाया नहीं केवल सुना है ना रसमलाई रसगुल्ला मीठा, बोले हाँ रसगुल्ला मीठा है, कोई इतना बोल देगा, फीका बोलेगा क्यों खाया नहीं। उसी तरह भगवान का जो नाम को बताया ये मीठा है, सबसे मीठा, इससे मीठा जगत में कुछ नहीं। नहीं तो रूप गोस्वामी क्यों कह रहे हैं तुंडे तांडव निनुते मितनुते तुंडावलि लब्धे, प्रभु आप एक ही जीवा क्यों दे दिया, इतने मीठे नाम आपकी एक नाम जीवा क्यों दे दिया, अर्बुद अर्बुद नाम आपने मीठा क्यों नहीं दिया, क्यों? उनको ये टेस्ट पता है कृष्ण नाम में कितने मीठा है। मधुरम मधुरम मेतद मंगलम मंगलाना, भागवत कह रहा है मीठा से मीठा और मधुर से भी मधुर भगवान का नाम, क्योंकि अभी हमें अनुभूति नहीं है, हाँ अनुभूति नहीं होने का नाते हम भजन को छोड़ देते हैं। कहते इतना दिन भजन किया, माला जब किया, जब करते करते ताला हो गया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, अभी काला हो गया माला, लेकिन अभी तो हमारा हृदय जैसे तैसे काला है और कुछ हो ही नहीं रहा है, हाँ हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं। कारण है हमने अभी तक सही सही नाम नहीं किया। नाम को करने का से भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में ये नाम करने का तरीका को बताए, ये नाम हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे हरिनाम करनी चाहिए, बैठ करके रो रो करके हृदय से पुकारो। इसलिए श्री भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज कहते थे बोले रोना सीखो, वो कहते थे रोना सीखो, हाँ रोना सीखो। जैसे जब तक मैया, जब तक बेटा नहीं रोता है मैया दूध नहीं पिलाती, जब तक बच्चा नहीं रोएगा मैया दूध नहीं पिलाएगी। उसको पता ही नहीं चला है बेटे को भूख लग रहा है, जो बच्चा रोता है छोटा बच्चा, मैया को पता चला भूख लग गया उसको दूध पिला, हाँ उसी तरह भगवान हमें जो अमृत पिलाएंगे रोगे तभी तो। इसलिए वो कहते रोना सीखो। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं बोले नयनम गलद श्रुधारया, हाँ बदनम गदगद रुधया गिरा पुलकैर निचितम बभूकदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। बोले हे प्रभु कब ऐसे दिन आएगा तेरा नाम लेते लेते आंखों से आंसू बह जाए, हृदय गदगद हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए, कब ऐसे दिन आएगा, हाँ कब ऐसे दिन आएगा। इसलिए श्री भागवत ने बताया अगर ठाकुर जी का नाम को लेकर के हृदय में गदगद नहीं पुलक नहीं, क्या समझनी चाहिए, हमारे अपराध कहीं है, कहीं हमारी अपराध है। इसलिए हृदय गदगद नहीं होता है, आंखों से आंसू नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं नाम लेने का तरीका क्या है, हमें कैसे नाम लेनी चाहिए। हाँ हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं कहते बैठ करके एक स्थान पर सामने तुलसी वृक्ष रखो, हाँ घर तुलसी वृक्ष हो नहीं तो ठाकुर जी को सामने बैठे, हाँ ठाकुर जी को सामने बैठो, तुलसी वृक्ष रखो, उसको सामने बैठ करके हृदय से पुकार पुकार करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। आप स्वयं बैठ करके ऐसे करो, अब एक सप्ताह करो, 7 दिन ये नाम को बैठ करके हृदय से पुकार पुकार करके रो रो करके करो, देखोगे कब से एक बैठ करके एक मन से, हाँ
कुछ दिन तक आपका हृदय से इतने आनंद आएगा, हृदय से इतने आनंद आएगा, ऐसे भगवान कुछ अनुभूति देंगे आपको। ये अनुभूति आपकी होगी, वो अनुभूति ऐसे अनुभूति होगी आप जिंदगी में कभी भजन नहीं छोड़ सकते, दुनिया छूट जाएगी। मीरा को देखो, रघुनाथ दास गोस्वामी को देखो, सनातन गोस्वामी को देखो, प्रहलाद मां, दुनिया छूट गया लेकिन प्रभु का भजन नहीं छूटा। क्यों? उन लोगों ने भजन किया है, अनुभूति उनको मिली है। इसलिए हमको बैठ करके एक जगह अच्छे तरह से हृदय से पुकार पुकार करके हमें भगवान के नाम जप करनी चाहिए, हा? जप करनी चाहिए। मन दुष्ट है, हा? ये मन इधर, इसलिए हमारे हरिदास ठाकुर जब महाप्रभु प्रसाद लेकर के आए, बोले हरिदास प्रसाद लो। हरिदास ठाकुर ने क्या बोले, बोले आज प्रसाद मैं नहीं ले सकता, आज मेरी संख्या माला अभी पूरी नहीं हुई, हम प्रसाद नहीं ले सकते। महाप्रभु क्या बोले, सारा जीवन तीन तीन लाख हरि नाम किया, अरे वृद्ध हो गया, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो। वो क्या कह रहे, बोले प्रभु शरीर तो चंगा है लेकिन जो मन है ना बड़ा दुष्ट है, ये मन बहुत दुष्ट है, शरीर तो मेरा बढ़िया है, हाँ? वो हम लोगों को सिखा देते हैं, क्या सिखा, हम क्या सिखा देते हैं, हमारा शरीर तो हाँ बहुत अच्छा लेकिन जो मन बड़ा दुष्ट होता है, सारे काम में मन लग जाएगा लेकिन जब वो लोग ठाकुर का नाम जप कर तो कितना बहाना बना दे, सारे बहाना उस समय बनता है। लेकिन और सिनेमा देखने जाओ, नाटक थिएटर जाओ, पहले शादी विवाह में जाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन कर पहले से रेडी होकर बैठे जाएंगे। इसलिए कभी बैठी करके हरिनाम ग्रहण करो, फिर ऐसी अनुभूति अभी कभी आप भजन नहीं छोड़ सकते हो। इसलिए तभी अनुभूति आप चीज को अनुभूति करोगे, हाँ, ये चीज को स्वयं अनुभूति करोगे। इसलिए बैठी करके भगवान के नाम जप करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु आने का जो पहला कारण है, महाप्रभु इसलिए कलयुग में आए, कलयुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन, ये हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए महाप्रभु जी आए। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि की हरि बोल। आपके एक स्टोरी सुना था इसलिए कलयुग कितना धन्य कलयुग है, ये कलयुग कितने दयालु है, ये कलयुग हर कलयुग नहीं, ये धन्य कलयुग श्रीमान महाप्रभु जिस कलयुग में आए हैं, और कितने इजी प्रोसेस महाप्रभु ने दिया है, कितने इजी प्रोसेस दिया है। बोले सत्य त्रेतय द्वापर कली, कहते चार भाई है ये लोग, चार भाई है। अभी सत्य युग अपना राज्यों तो करके चले गए, त्रेतय युग राज्यों तो कर गए, द्वापर युग राज्यों तो कर गए, ये तीनों बड़े भैया अपना अपन राज्य, इनका राज्य तो खत्म हो गया। अभी राज सिंहासन में ये कलयुग बैठा हुआ, ये कलयुग बैठी करके अभी राज्य शासन कर रहा है। अभी जो सत्य त्रेतय द्वापर ये जो तीन युग, एक दिन अपना छोटे भाई कलयुग को साथ में मिलने के लिए आया, जे हम तो राज्य तो किए, अभी छोटे भैया बैठी करके राज्य कर रहे हैं, चलो हम देख आते हैं ये छोटा भाई कैसे राज्य चला रहा है। जब तीनों भाई मिलने के लिए आए, गेट कीपर था, उसको बोले उनका परिचय दो, हम कलयुग के तीनों बड़े भाई छोटे भाई से मिलने के लिए आए, हम मिलना चाहते। जब दरबार जाकर के बोला, इतना सुनते ही कलयुग तो बड़ा क्रोध आ गया, बोले जाओ ये तीनों को बोल दो मेरे पास में कोई समय नहीं, ये तीनों से मिलने के लिए मेरा कोई समय नहीं, उनको भगा दो वहां से। ये तीनों सुनकर तो बड़ा आश्चर्य हुए, बोले हम इनके तीनों बड़े भाई आए, छोटे भाई हमारा इतने दूर से आए, बोलता है इनको भगा दो यहाँ से। और एक बार प्रार्थना किया, बोले और एक बार जाओ बोलो, हम बड़े दूर से आए, केवल एक बार केवल मुंह से, हाँ, नजर से नजरे मिलाकर चले जाएंगे। जब बोले नजर से नजरे मिलाकर चले जाएंगे, कलयुग तो सुनकर और बिगड़ गया, बोले उनके मुंह तक भी मैं देखना नहीं चाहता। बोले भैया हमने क्या किया, ये हमारे मुंह तक भी देखना नहीं चाह रहा है,
फिर और एक बार बोले, बोले और एक बार जा करके बोलो। जो और एक बार जा करके बोले तब कलिजुग बहुत कष्ट से कलिजुग आया, आ करके जो सबसे बड़ा भाई को बड़ा शासन किया। बोले ये तू तो बता, तू आ करके जगत का क्या कल्याण तुमने किया? सत्य युग में तुम आया, सत्य युग का जो धर्म था कृते जद ध्यायते विष्णु था ध्यान। आप सुने होंगे 10,000 वर्ष साल 50,000 साल तक बिना खाए पिए सिर नीचा करके टांग ऊंचा करके चारों तरफ में आग जला करके, अब सुने होंगे कितने कठोर तपस्या करते थे। वाल्मीकि का शरीर में तो दिमाग लग गया, पूरा कीड़े ही कीड़े लग गए, पूरा मांस को खा लिए हैं। कितने कठोर तपस्या करते थे और इतने कठोर तपस्या करके तुमने दिया क्या? कोई मुक्ति भुक्ति दे दिया और क्या दे दिया? इसलिए तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहता था, तुम केवल आया केवल कष्ट ही कष्ट केवल दूसरों को दिया और कुछ नहीं दिया, इसलिए नहीं मिलना चाहता था। त्रेता युग को भी डांट लगा, बोले तुमने क्या किया? बोले त्रेता युग का जो धर्म था यज्ञ, अब देखना यज्ञ करने के लिए कितना पैसा खर्चा हो जाता है, धूप दीप नैवेद्य ये लाओ वो लाओ, हवन सामग्री घी लाओ कुंड लाओ, हाँ कब लाओ लाओ, 1,000 रुपया खर्चा हो जाएगा उसमें। फिर जब उसको पास में बैठो जो आग निकलता है, फिर शरीर में लगता है, फिर धुआं आता है, फिर नाक में धुआं घुसता है। बोले तुम भी आ करके तुम भी दूसरों को कष्ट ही कष्ट दिया और कुछ नहीं दिया, इसलिए मैं मिलना नहीं चाहता था। द्वापर युग को बड़ा डांट लगा है, बोले तुमने क्या किया? द्वापर युग का था अर्चन, अर्चन के लिए भगवान के लिए पंचामृत दूध लाओ दही लाओ घी लाओ शक्कर लाओ हाँ हनी लाओ लाओ लाओ, केवल पुष्प लाओ चंदन लाओ अगुर लाओ कर्पूर लाओ खलाओ लाओ, इतने पैसा खर्चा करके हाँ ठाकुर का सेवा पूजा में इतने पैसा तुमने खर्चा करवाया करता था, इसलिए तुम भी लोगों को केवल लाओ लाओ पैसा खर्चा करवाया, इसलिए तुम तीनों से मैं मिलना नहीं जा रहा था। देखो अभी एक कलिजुग आया, कलिजुग में किस चीज की जरूरत नहीं हाँ? किस चीज की कलिजुग में जरूरत नहीं? अगर मृदंग ढोलकी बहुत अच्छी बात है, ये भी नहीं, भगवान दो हाथ दिया बस ताली बजाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे Thank you.
बैठ जाओ। बोले बैठने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए क्या?
बोले भगवान के नाम लेने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? बोले नहीं। बोले जड़ अंध आतुर अवधि पार है, हाँ कोई लंगड़ा लूढ़ा, हाँ कोई क्वालिफिकेशन कुछ भी जरूरत नहीं इस नाम में बैठने के लिए, केवल आओ और इस नाम में बैठ जाओ, भव सागर से पार हो जाओ, कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं। इसलिए कहते महाप्रभु इसी जगत में आने का ये एक सबसे पहले ये एक कारण है। और उन्हें दिया क्या वस्तु? बोले साधारण वस्तु उन्होंने नहीं दिया, ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जिस प्रेम के लिए तरसते हैं, महाप्रभु दुर्लभ प्रेम को सबको उन्होंने दे दिया। इसलिए बोले चंडाले ब्राह्मणी करे कुला कुली कभी बात छिलाई रंग। बोले कभी तुमने देखा है चंडाल और ब्राह्मण कभी गले मिलते हैं? चंडाल का छाया स्पर्श हो गया तो ब्राह्मण बोले अपवित्र हो गए, उनका मुंह देखना नहीं चाहता था। लेकिन कलयुग में देखो सबके सब एक साथ में, हाँ कोई कोई जाति पाति का कोई विचार नहीं, सब मिल करके। भक्त विनोद ठाकुर भी यही बोले, बोले एक दिन ऐसा आएगा इसी कलयुग में गोरे और काले, हाँ ये दोनों काले और गोरे दोनों मिल करके हाथ उठा करके ललिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, दोनों ही नाचेंगे। देखो सब नाच रहे गोरे काले सब एक होकर के, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजा सो हरि का हरि, सब भगवान के नाम कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु इसी जगत में आने का ये पहला कारण। बोले दूसरा कारण किया है, बोले दूसरा कारण है, बोले अनर्पित चरि चिराद करुणयावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्जवल रसांग स्वभक्ति श्री हम। इसलिए दूसरा कारण है महाप्रभु कलयुग में आकर के जो प्रेम को ब्रह्मा का एक दिन पहले उन्होंने दिया था, हाँ ब्रह्मा का एक दिन पहले जो प्रेम को उन्होंने प्रदान किया था, कलयुग में आकर के वो दुर्लभ प्रेम को ब्रज प्रेम को, ब्रज प्रेम नहीं ब्रज प्रेम में भी जो निकुंज सेवा में जो राधा रानी की पाल्य दासी, हाँ राधा रानी की दासी भाव उन्होंने जो प्रदान किया, जो मंजरी भाव उन्होंने प्रदान किया, कहते ब्रह्मा का एक दिन में आकर के उन्होंने ये दुर्लभ प्रेम को प्रदान करते, जिस सेवा में, हाँ जिस सेवा में कहते प्राण पृष्ठ सख कुलादी कील असंच भूमिता, जब राधा कृष्ण लीला निकुंज में लीला करते हैं जिसमें ललिता विशाखा भी जहाँ अंदर में जाने में द्विधावत करते हैं, उनको भी शर्म लगता है, लेकिन वो निकुंज लीला में राधा रानी की अगर दासी भाव से कोई भजन करे वो आसानी से कुंज महल की सेवा उनको प्राप्त हो जाता है, राधा रानी की चरण की सेवा, उनको तांबुला अर्पण, उनको पानी की सेवा करना, निकुंज की सारी दुर्लभ वस्तु को श्रीमन महाप्रभु ने आसानी से दिया है। कहते ये जो वस्तु है कहते इसका दूसरा कारण है। बोले तीसरा कारण क्या महाप्रभु क्यों आए? बोले तीसरा कारण है कहते श्री अद्वैत आचार्य जैसे इसी जगत में, जैसे कृष्ण आने से पहले जब पृथ्वी के ऊपर में अत्याचार हुई, गौ गोमाता हमारे गो पृथ्वी दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा पर शंकर जी के पास में, सारे देवता लोग जाकर के खीर समुद्र में भगवान को पुरुष सुक्त मंत्र को द्वारा भगवान को स्तुति करते हैं, उसी तरह ये कलयुग में जब अत्याचार हो रहा था कलयुग में लोग, हाँ सब के सब कृष्ण विमुखता प्राप्त कर रहे थे उसी समय में, हाँ सब तो दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना किया, जैसे कृष्ण से प्रार्थना करने पर क्या होता है पहले उनका परिकर को भेज देते हैं, हाँ परिकरों को भेज दिया सारे जदुवंशियों को, उनको पिताजी को, उनको माताजी को, सबको पहले भेज दिया। उसी तरह महाप्रभु आने से पहले भी वो अकेले नहीं आए, इसलिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करे सपार सदसियो धाम सह अवतारे। महाप्रभु पूरा परिकर धाम को लेकर के महाप्रभु आते हैं, और आने से पहले उन्होंने सारे उनको पिता माता सबको उनको परिकर को पहले भेज दिया। श्री अद्वैत आचार्य भी आए, कहते अद्वैत आचार्य सदाशिव ये महाविष्णु
और इन्होंने आकर के इसी जगत का दुर्दशा को देखा। जगत में ठाकुर जी का नाम कोई नहीं ले रहे, भगवान का भक्ति कोई नहीं कर रहे। जिसको पास में थोड़ी ज्यादा पैसा है ना, वो क्या करता है, कुत्ता कुत्तियों को शादी देते हैं, करोड़ रुपया उसमें खर्चा कर रहे हैं, बिल्ला बिल्ली को शादी देते हैं, हाँ? और देवी मैया की पूजा करके वहां पर जानवर को बलि प्रदान करते हैं। अगर कोई गीता भागवत पढ़ता अगर कोई है, लेकिन गीता भागवत का जो सार है भगवान की भक्ति, भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं। गीता भागवत लेकर आपस में शास्त्रार्थ तर्क वितर्क केवल तर्क वितर्क करते हैं, कोई भगवान की भक्ति से भजन से किसका कोई मतलब नहीं। और महाप्रभु आने से पहले ये श्रीवास पंडित आए, वो चार भाई है, वो लोग दिन रात घर में बैठ करके मजरा मृदंग लेकर के चार भाई कीर्तन करते हैं, बोगे। लोग कहते हैं ये कहाँ से आ गए, बीमारी आ गया, कोई काम धाम नहीं, चल देखो हरि कीर्तन। जैसे विदेश में ना कीर्तन हो कहीं आस पास में, बोले सब क्या हो रहा है, हाँ? इसलिए बोले कि सब कौन सा बीमारी पकड़ा, दिन रात हाँ कल हरे कृष्ण कर, लगता है रात को छत खाना नहीं मिलता ना, भूख को मारे बड़े तेज तेज से ये चिल्लाते रहते हैं, हाँ? बड़े गाली वाले जो करते हैं इनको, कहते हैं तुम्हारी घर भर लेकर सब फेंक फांग देंगे, यमुना में बहा, गंगा में बहा देंगे, क्योंकि तुम लोग रात में हरिनाम करते हो भगवान को नींद नहीं आती होगी, क्योंकि तुम जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र करते ठाकुर को सोने नहीं दोगे। अगर ठाकुर जी सोएंगे नहीं, ठाकुर का निद्रा टूट गया, आप सो रहे हो, आपका घूम नींद कोई तोड़ दिया, फिर गुस्सा आएगा कि नहीं, बोले ठाकुर को क्या सोने नहीं दोगे। अभी चातुर्मास्य है, ठाकुर जी शयन करते हैं, ये सब क्या हरे कृष्ण उनको बड़े उपद्रव करते हैं, उनको परम अत्याचार करते हैं, भक्त लोग बड़े दुखी। अगर तिलक लगा लिया, कंठी लगा लिया, बोले ये क्या, ये कौन सा बीमारी, ये लकड़ी क्यों पहन लिया, तिलक लगा दिया तो कहले बगुला क्या टाटी कर दिया, सब क्या है। अगर कोई चोटी रख लिया, बोले ये क्या एरियल है, हाँ? इसलिए बड़े उपद्रव करते हैं, बड़े पीछे लग जाते हैं, बहुत अत्याचार कोई भगव। इसलिए भक्त लोग बड़े दुखी होकर के बोले हे प्रभु तुम कब आओगे जगत में, ये जीवों को कब तुम उद्धार करोगे, सब लोग भगवान को हे तारणहार तुम कब अवतीर्ण होकर के ये लोगों को उद्धार करोगे। सारे भक्त लोग बड़े दुखी भक्त लोग हैं। कद विशेष करके श्री अद्वैत आचार्य का एक टोली था, मतलब उसका स्कूल है, जितने भक्त लोग सब उसी टोली में जाकर पढ़ते थे स्कूल में जाकर के, क्योंकि ये सदाशिव है, हाँ? ये स्वयं सदाशिव महाविष्णु हर गीता भागवत को बड़े सुंदर भक्ति पर्व को व्याख्या करते थे। भक्त लोग बड़े प्रसन्न होते थे, खुश होते थे, उनकी स्कूल में जाकर बड़े प्रसन्न होते थे। ये अद्वैत आचार्य जगत का स्थितियों को देखा, देख करके उनको बड़ी चिंता लगा, जगत का उद्धार कैसे होगा। बोले यहाँ प्रश्न होता है, क्या अद्वैत आचार्य तो महाविष्णु की सदाशिव है, ये भी तो हरिनाम संकीर्तन प्रचार कर सकते थे, फिर उन्होंने भगवान को महाप्रभु को क्यों बुलाया, उसका कारण बताए। बोले मैं तो सदाशिव हूँ महाविष्णु, जगत में हरि कीर्तन प्रचार कर सकता, लेकिन ये जो कलियुग साधारण युग नहीं, ये कलियुग धन्य कलियुग है, इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे, सर्वत्र हरि कीर्तन प्रचार करके ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जो प्रेम के लिए वो तरसते हैं, महाप्रभु वो दुर्लभ प्रेम को वो सबको प्रदान करेंगे, सबको वो प्रेम देंगे। ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम तो श्री महाप्रभु ही कर सकते हैं। इसलिए इनको बोले नाड़ा, इनका महाप्रभु इनको बोलते नाड़ा। बोले नाड़ा क्यों, बोले मैं खीर समुद्र में सो रहा था, उन्होंने ऐसे मेरे को पुकारा, मेरे आसन को उन्होंने हिला दिया, इसलिए उनका नाम महाप्रभु नाड़ा नाड़ा बोलते थे। इनको बोलते गौर आना ठाकुर जी, मैंने महाप्रभु को लाए, इसलिए बोलते दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। इसलिए श्री भक्तिमन ठाकुर कहते हैं बल ए गौर रस नदी कादम्बी निहोए भाषाई ल गौर देशे
ಪ್ರೇಮ ವೇಷ್ಟಿದೆ ಓಡೋ ಓಡೋ ಸಬ್ದೇಯಲ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಚಾಂದ್ರ ಜಲ ರಸಧಾರಾತಾಹೆ ರಾಯ ರಾಮಾನಂದ. इसलिए अद्वैत आचार्य जो उदाहरण दिया हुड़ हुड़ शब्द, हुड़ हुड़ मतलब जैसे कोई बारिश वारिश कुछ नहीं, हठात बारिश आया सबको भिगा कर चला गया. हठात अद्वैत आचार्य आए और उन्होंने ये जगत का स्थितियों को देख कर, क्योंकि ये सदाशिव है और महाविष्णु जगत को उन्होंने सृष्टि किया है. जब कोई जगत को सृष्टि करे उसका कर्तव्य है उसको पालना भी करनी चाहिए. जैसे मैया बच्चों को जन्म देती है, कर्तव्य किया उनको पालन करना. दुनिया को भगवान ने बनाया सदाशिव, वहां महाविष्णु बनाए, उनका कर्तव्य भी जगत को पालन करना भी इनका कर्तव्य है. इसलिए उन्होंने बड़े चिंता में बोले क्या किया जाए. अगर भगवान को जगत में प्रकट करवाना कोई चाहते हैं, सबसे सरल उपाय क्या है, उन्होंने सारे वेद को उपनिषद को पुराण को बोले शास्त्र में क्या दिया गया, ठाकुर जल्दी जल्दी कैसे आएंगे. उन्होंने ढूंढते ढूंढते पुराण में एक श्लोक मिला, वो श्लोक सुनकर बड़े खुश हो गए. हाँ, वो श्लोक था बोले तुलसी दल मात्रिण तुलसी चुलकनवा विकृणित सात्मनम भक्तव्य भक्तवत्सल. इसमें था अगर भगवान को सबसे जल्दी जगत में प्रकट करना चाहे तो सबसे सरल उपाय क्या है, बोले हाथों में गंगा पानी लो और उसमें तुलसी मंजरी तुलसी पता रख लो, रख करके हृदय से आंखों का आंसुओं का बहाते हुए हृदय से ठाकुर जी का अर्पण कर दो, बस ठाकुर जी खुश हो जाए. सबसे सरल उपाय ठाकुर जी सबसे. इसलिए कृष्ण गीता में बोले बोले पत्रम पुष्पम फलम त्वयम जो मैं भक्त्याः प्रजच्छति तद अहम भक्त उपर्हित स्नानि प्रजतात्मन. सच हृदय से भक्ति हृदय से भाव को साथ में बोले पत्रम बोले कौन सा तुलसी पत्रम बोले त्वयम मतलब पानी बोले कौन सा बोले गंगा पानी. हाँ फल और हाँ फल और जल अगर हृदय से कोई दे तो मैं उसे ग्रहण करता हूँ. अभी प्रश्न है बोले भैया ये दो चीज में क्या चीज है. भगवान कहते ये दो चीज मुझे दो सबसे ज्यादा हम खुश होते हैं. इसलिए ठाकुर जी के चरण में हम तुलसी बता देते हैं. कभी जो तुलसी और गंगा पानी में है क्या चीज, ठाकुर जी इतने क्यों खुश होते हैं वो दो चीज को तरफ. बोले ये तुलसी साधारण वस्तु नहीं. हम कहते ना वृंदाय तुलसी देवै प्रियाहि केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः. हाँ वृंदाय तुलसी देवै प्रियाहि केशवस्य च, ये भगवान की अत्यंत प्रिया है. इसलिए कृष्ण भक्ति को प्रेम को देने वाले हैं. इसलिए भगवान स्वयं बोले जब तक हमको कोई खाना दो जब तक उसमें तुलसी पता नहीं देते ठाकुर जी उसको ग्रहण नहीं करते. जब तक गले में हम तुलसी का भी धारण नहीं करते ये शरीर पवित्र नहीं होता है. इसलिए बोले नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो ब्रज राधा कृष्ण नीता सेवा हे अभिलाषी नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो जे तो मार शरण लाए तार वंश पूरण आए कृपा करी कर थारे लो. जगत में जितने फूल है तुलसी के बराबर कोई नहीं हो सकता है. कृपा करी दे हमारे विलास कुंज वासी हमें वृंदावन वास और विलास कुंज में राधा रानी जहाँ विलास करती है वहीं पर हमें निवास दो. ये तुलसी की कृपा से ही जीव को भगवान की निकुंज सेवा में अधिकार मिलता है. यही तुलसी राधा कृष्ण दोनों को मिलन यही कराती है, इनकी काम है. इसलिए भगवान की जितने श्रृंगार रस है आज कुंज कहाँ बनेगा
आज राधा कृष्ण कहाँ मिलेंगे कुंज में, ये वृंदादेवी बनाती है सारे कुंजों की, राधा कृष्ण को मिलन यही कराती हैं। इसलिए गर्ग संहिता में आया है मतलब राधा रानी कृष्ण को कैसे प्राप्त की, राधा रानी कृष्ण को कैसे प्राप्त की, राधा रानी रोज ये तुलसी की सेवा करती थी, तुलसी में पानी देती थी, तुलसी की आरती करती थी, तुलसी की परिक्रमा करती थी, बल्कि ये तुलसी की कृपा से राधा रानी कृष्ण को मिला। यद्यपि एक लीला है वृंदावन में तो राधा रानी की सखी है, लेकिन वहां पर दिया ये तुलसी कितने शक्ति, ये तुलसी की कृपा से राधा रानी कृष्ण को प्राप्त की। इसलिए नियम है घर में हमें रोज तुलसी की पानी देना, तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी की पूजा करना। बोले तुलसी 10 तरह से कल्याण करती है, बोले दृष्टा स्पृशा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता श्रुता। बोले दृष्टा, अगर तुलसी को दर्शन कर लिया, इसलिए पहले पहले देखना घर को सामने सभी तुलसी वृक्ष रखते थे, जैसे किसी काम में जा रहे हो तुलसी को दर्शन करते हुए गए, आए तो दर्शन करते हुए आए, घर को सामने जैसे तुलसी वृक्ष है, घर में कोई गंदी चीज नहीं आएगा, तुलसी लक्ष्मी है और भगवान की निवास तुलसी में। जब भगवान जगत छोड़ कर गए अपना को कहाँ रख कर गए, बोले तुलसी वृक्ष में, तुलसी वृक्ष में रख कर गए। इसलिए तुलसी में भगवान, इसलिए दृष्टया केवल तुलसी को दर्शन कर दिया तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। दृष्टया स्पर्शया, अगर स्पर्श कर दिया, जैसे गले में हम तुलसी कंठ धारण करते हैं, स्नान करने पर इसका पानी सारा शरीर में जाता है। पुराण में बताया गया गंगा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सारे तीर्थ में नहाना हो गया, ये तुलसी को स्पर्श करते हुए पानी शरीर में गया तो सारे तीर्थ में नहाना हो गया। दृष्टा स्पर्शा तथा ध्याता, जो तुलसी को ध्यान करते हैं, रोपिता जो तुलसी वृक्षों को लगाते हैं, गर्ग संहिता में बताया जो तुलसी वृक्ष लगाते हैं, तुलसी वृक्ष लगाया, बोले तुलसी वृक्ष नहीं लगाया, हृदय में कृष्ण भक्ति के बीज को तुमने बो दिया। तुलसी वृक्ष लगाने का सबसे ज्यादा महत्व बताया, तुलसी वृक्ष ने कृष्ण भक्ति के बीज तुम्हारा हृदय में बोया। रोपिता सेविता, जो तुलसी में पानी दे, तुलसी वृक्ष को साफ सुथरा करे, उनको जो आरती उतारे, उनकी जो महिमा को गुणगान करे, उनको 10 तरह से तुलसी जीव को कल्याण करती है। आप लोग एक कथा सुने होंगे, एक कहानी सुने होंगे, जब कुरुक्षेत्र युद्ध में जब सूर्य ग्रहण हुआ, कुरुक्षेत्र में सबके सब आए थे, कृष्ण भी आए, उनका सखा सखी, हाँ सबके सब, राधा रानी 16,108 पाटरानी सब आए थे सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण में। ये भागवत की कथा है। नियम है जब सूर्य ग्रहण पड़ता है सबके सब कुरुक्षेत्र में गए, वहां पर कुंड सबके स्नान करते हैं, और स्नान करने का बाद नियम है ब्राह्मणों को दान देनी चाहिए, ब्राह्मणों को वैष्णव को संतों को दान देनी चाहिए, दान की विशेष महत्व। अभी नारद जी वहां पर आए थे, तब नारद जी जब आए वहां कृष्ण का 16,100 पटरानियां सबके सब स्नान किया, अभी दान करेंगे। नारद जी ने कहा देखो साधु संतों को साधारण वस्तु दान नहीं देनी चाहिए, सबसे बढ़िया चीज दान देनी चाहिए, क्योंकि साधु संतों को जो दान देते हो भगवान कहते हैं अगर तुम मेरे को खुश करना चाहते हो मेरे भक्तों को तुम खुश करो, क्योंकि भगवान वैष्णव हृदय सदा को भी दबिश्रा, बोले ठाकुर कहाँ बैठे हैं, बोले संतों का हृदय में। अगर कोई साधु को तुमने खुश कर दिया तो समझो भगवान प्रसन्न हो गए। नारद जी बोले साधु सेवा की महिमा जगत में इससे बड़ा सेवा कुछ नहीं, और साधु को सबसे बढ़िया चीज देनी चाहिए। महिष्यों को बोले इसलिए तुम्हारा जो बढ़िया चीज है मेरे को दो। तब महिष्यों ने कहा हमारा सबसे बढ़िया चीज तो कृष्ण है, हम कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हमारा सबसे बढ़िया तो कन्या कृष्ण, बढ़िया चीज को दान देनी चाहिए, कृष्ण को दान दो। तब महिष्यों ने कृष्ण को सब मिलकर के नारद जी को दान दिया, बोले देखो मैं संत हूँ, अभी मेरे को कृष्ण को दान कर दिया, अब इसको लंगोटी पहना करके तिलक लगा करके मुड़ मुड़ा कर चोटी करके बस बाबा करके ले जा रहा क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, नारद साधु है, अभी एक साधु को तुमने दान दिया, अब इसको तो मैं बाबा बनाऊंगा ना, सन्यासी बनाऊंगा मेरे जैसे, हम इसको लेकर जा रहे हैं। बोले नहीं ऐसे कैसे होगा, ये हमारा पति है,
हमारे पति को ले जाओगे तो हमारा जीवन है, तो हम क्या करेंगे? बोले ऐसे नहीं हो सकता है। बोले देखो, अगर कृष्ण को दान दिया, अगर इसको वापस लेना चाहते हो, इसका विनिमय में कुछ दो, फिर मैं इसको वापस कर सकता हूँ। बोले क्या चाहते हो? बोले सोना दाना कुछ दो इसका विनिमय में। बोले कैसे? बोले तराज में बैठा कर के कृष्ण को उसका भोजन के बराबर हमें सोना दे दो, फिर मैं इसको दे दूंगा, तुमको दान दे दूंगा। बोले हाँ ठीक, ये कर सकता हूँ। एक तराजू लाए, एक तराजू में कृष्ण को एक तरफ में बैठाए, और जो रुक्मिणी दान दिया था रुक्मिणी ने, अभी रुक्मिणी ने पहले पहले स्त्रियां बहुत सोने पहनते थे, सीने से लेकर पैर तक, हाँ इतने मोटे मोटे, इतने कितने पहनते थे जिसका धार नहीं लगा सकते, इतने पहनते थे स्त्रियां। रुक्मिणी सारा शरीर का उन्होंने जितना अलंकार था सारे को उतार करके तराज के दूसरे तरफ पे रखा। अरे भगवान को बराबर जगत में कुछ हो सकता है? कृष्ण के बराबर जगत में थोड़ी कुछ हो सकता है। लेकिन कृष्ण से टस से मस नहीं हुआ। रुक्मिणी ने देखा सारे अलंकार दे दिया, ये कृष्ण टस से मस नहीं हुआ, फिर उसे क्या करनी चाहिए? फिर पास में और दूसरे दूसरे रानियां थी, वो समझ गई। फिर सत्यभामा भी शरीर का सारे अलंकार उतार कर रख दी, कुछ नहीं हुआ। फिर मित्रविंदा वो भी सारे शरीर का उतारा, कुछ नहीं हुआ। अभी जितने रानियां थी ना, एक एक करके शरीर का सारे अलंकार उतारने लगी, लेकिन कृष्ण के बराबर कुछ नहीं कर सके। कृष्ण टस से बस नहीं हुए। फिर नारद जी बोले फिर लेकर जाओ चला बना करके, क्योंकि इसका बराबर तुम लोग कोई सोना मुझे दान नहीं देगा, तो चला बना कर ले जाऊंगा। फिर बोले नहीं नहीं, क्या किया जाए, क्या किया जाए। उनको पता चला राधा रानी आई है। फिर राधा रानी को पास में गए, राधा रानी को बुलाए, बोले ऐसे ऐसे विपत्ति में पड़ी, इसलिए आप भी कुछ कर सकते, नहीं तो नारद चला बना कर हमारे प्रभु को ले जाएंगे। फिर राधा रानी आती है, तेरे सारे अलंकार उतारो, सारे अलंकार उतारो। बोले एक तुलसी पत्ता ले आ, एक तुलसी पत्ता लाए, और राधा रानी अपना प्रेम का आंखों का आंसुओं से उन्होंने कृष्ण नाम को तुलसी पत्ते के ऊपर लिखे। तुलसी पत्ते ऊपर रख करके तराजू के जब दूसरे तरफ में रखा ना, इधर जो कृष्ण थे पूरा ऊपर उठ गया, और वो हो गया नीचा, तराजू हो गया नीचा। हाँ महिषा तो बड़े आश्चर्य हो गए, बोले भैया ये तुलसी पत्ता कृष्ण नाम में इतने शक्ति, इसलिए बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का, भगवान का नाम और जो तुलसी ये साधारण वस्तु नहीं। हाँ इसलिए भगवान को भी हल्का कर दिया और तुलसी बड़ी हो गई। इसलिए कहते श्री अद्वैत आचार्य जब उन्हें तुलसी को उन्होंने प्रदान किया, ये तुलसी में इतने शक्ति है, और गंगा पानी, बोले गंगा पानी क्या है? बोले भगवान का चरणामृत है, जो शंकर जी जिसको अपना सिर पर धारण करते शंकर जी। इसलिए महाप्रभु जब संन्यास लेकर के जा रहे थे, कहीं उन्होंने भगवान का नाम नहीं सुना, हठात एक स्थान पर जाकर सुना हरि बोल हरि बोल। बोलो भैया यहाँ हरि बोल शब्द इतने दूर तक आ गया, कैसे ना हरि बोल कहीं सुना नहीं, यहाँ पर हरि बोल सुना। वहां पर जाकर देखा, बोले क्या कारण? बोले कारण है वहां पर गंगा बह रही, गंगा बह रही थी, वो गंगा की कोल हवा लगते ही शरीर में अपने आप कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम अपने आप जग उठता है। इसलिए ये गंगा पानी में इतने पवित्रता, गंगा पानी में, इसलिए गंगा पानी भगवान की चरणामृत है। जब श्री बामन देव एक चरण बामन देव का भूर भुव मोह जन तप सत्यलोक तक पहुंचा, वहां पर ब्रह्मा जी उनका चरण को धो करके उन्होंने कमंडल में रखा था, वही ये चरणामृत गंगा है। हाँ? और फिर गंगा क्या है? बोले भगवान का शरीर का जो पसीना, हाँ? भगवान अपना राग रागिणी को सुने, भगवान का शरीर से प्रेम से भगवान का शरीर से पसीना निकला, ये पसीना हृदय से छू करके जब उनका चरण को छू करके जब बही, कहती है गंगा। इसलिए बोले ब्रह्म द्रव्यगात्रम, राधा कृष्ण का जो प्रेम ही ये गंगा रूप में बह रही है, इसलिए गंगा अत्यंत अत्यंत पवित्र सी गंगा है।
बोले श्री गंगा देवी की। इसलिए अद्वैत आचार्य जब उन्होंने ये दो चीज को उन्होंने अपना हृदय से उन्होंने अर्पण उन्होंने किया, महाप्रभु का जो आसन वो एकदम हिल गया, हाँ भगवान का आसन को हिला दिया। फिर महाप्रभु ने देखा मुझे आनी चाहिए, अभी महाप्रभु जन्म ग्रहण करेंगे। जब महाप्रभु जन्म ग्रहण करेंगे उनको पिता माता कौन है, सच्ची माता उनकी माँ और पिता श्री जगन्नाथ मिश्र उनको पिताजी। अभी बोले सच्ची माँ कौन है, बोले मैया जसोदा ही है सच्ची है, हाँ कहते जो देवकी मैया जसोदा और भगवान के जितने मैया माँ कौशल्या ये सब कब मिल करके ये सच्ची माँ, ये सबसे श्रेष्ठ से सच्ची माँ है। कहते श्री जगन्नाथ मिश्र कौन है उनको पिताजी, बोले जितने भगवान के पिता हैं श्री नंद श्री वसुदेव श्री कश्यप जी दशरथ ये सब के साथ एक साथ मिल करके श्री जगन्नाथ मिश्र ये दोनों सच्ची माँ जगन्नाथ मिश्र रूप में ये दोनों आए। अभी इन महाप्रभु जन्म होने से पहले जैसे कृष्ण जन्म होने से पहले उनको छह बच्चों को कंस ने मरवा डाला, हाँ छह बच्चे मतलब क्या अष्टम गर्भ में कृष्ण आए। कहते छह बच्चे कौन है, बोले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये छह रिपु ही पहले कंस ने मरवाया। मतलब कोई भगवान को हृदय में बैठना चाहते हैं बोले पहले ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को छोड़ो तब ठाकुर जी हृदय में आएंगे। बोले सप्तम गर्भ में कौन आए, बोले श्री बलदेव प्रभु ये धाम स्वरूप है, ये संदिनी शक्ति अधिष्ठान देवता इसी बलदेव प्रभु धाम स्वरूप में ये आसन रूप में हर तरह से जो भगवान की सेवा करते वो आए। कहते उसी तरह महाप्रभु आने से पहले कहते उनको आठ जो लड़की है हाँ उनका जो सच्ची माँ की जो आठ बेटी उन्होंने शरीर छोड़े, आठ बेटी पहले शरीर छोड़े है हाँ उसलिए कहते नवम स्टेज में कहते श्री शंकरसन स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु वो आते हैं। नित्यानंद प्रभु तो हराई पट्टी घर में जन्म लेते हैं और महाप्रभु का जो बड़े भाई विश्वरूप ये श्री बलदेव प्रभु है। कभी ये भी पहले जैसे कृष्ण आने से पहले बलदेव प्रभु आए, महाप्रभु आने से पहले श्री विश्वरूप आते हैं। विश्वरूप कौन है, ये साक्षात बलदेव प्रभु ये संधिनी शक्ति के अधिष्ठान देवता ये सब धाम स्वरूप में हाँ प्लेटफॉर्म बन करके ये भी आए। कहते श्री कहते दसम गर्भ में हाँ दसम स्टेज में श्री श्री महाप्रभु स्वयं इसमें आते हैं। लेकिन जब महाप्रभु आते हैं लेकिन भगवान का जो जन्म कर्म हम जैसे जन्म लेते ऐसे जन्म नहीं, ठाकुर जी का हमारी जन्म कैसे हुआ, पति पत्नी का मिलन सौकर जन्म हमारी हाँ इसलिए सौकर जन्म है। कहते हमारा शरीर किस चीज के द्वारा बना हुआ है, पांच चीज के द्वारा, वृक्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित इह अधम शरीर। हमारा शरीर पांच चीज से बना हुआ, मिट्टी वायु जल आकाश और वायु। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्रीमान महाप्रभु की। इसलिए हमारे शरीर पांच चीज को धारण, लेकिन भगवान का शरीर बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम्। भगवान का ऐसे जन्म नहीं, भगवान का शरीर सात चीत और आनंद ये तीन चीज को द्वारा ठाकुर जी का शरीर बना हुआ हाँ सच्चिदानंद रूपाय। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म कर्म क्षमे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म साधारण नहीं दिव्य अपराकृत, इसको जो जान ले फिर शरीर त्याग बाद में फिर दोबारा शरीर ग्रहण नहीं करता है। इसलिए महाप्रभु का जन्म साधारण जन्म नहीं, इसलिए महाप्रभु सर्वप्रथम श्री जगन्नाथ जी का हृदय में आते हैं। जगन्नाथ जी मिश्र उनके हृदय से फिर सच्ची माँ के हृदय में फिर वो आए हैं। फिर सच्ची मैया गर्भ धारण करती है, जब सच्ची मैया गर्भ धारण की
अभी जैसे कृष्ण आने पर सारे देवता लोग आकर के भगवान को स्तुति की, कहते उसी तरह सची माँ के गर्भ में जब महाप्रभु आए, कहते सारे 33 करोड़ देवता आकर के गर्भ स्तुति करते हैं। बड़े सुंदर, इसलिए चैतन्य भागवत में कहते श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते ये चीज को चैतन्य भागवत में बहुत अच्छे तरह से उसको वर्णना करते हैं। देवता लोग आकर के श्रीमन महाप्रभु को कितना सुंदर रूप में वो स्तुति करते हैं चैतन्य महाप्रभु को, कहते हे प्रभु आप वही कृष्ण हो, आप वही राम हो, आप वही मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन, आप ही सब अवतार आप ही हो प्रभु, आप अनादि है जिसका कोई आदि नहीं, आप पूर्ण आप सनातन, आप ही जगत का सर्व कारण का कारण आप ही हो। इसलिए सारे देवता आकर के बड़े सुंदर भगवान को गर्भ स्तुति करते हैं। गर्भ स्तुति करते करते भगवान जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आए, भगवान का जो जैसे जन्म नक्षत्र होता है, इसलिए भगवान जब आए मतलब बुधवार था, हाँ अष्टमी का रात रोहिणी नक्षत्र, और अथ सर्व गुण पेत काल परम शोभन, जब भगवान जन्म लेते हैं जितने सारे नक्षत्र बार तिथि सब के सब एक साथ में मिट जाते हैं, क्योंकि भगवान जो जन्म है वो साधारण समय पर जन्म नहीं लेते ठाकुर जी, इसलिए महाप्रभु भी जन्म ग्रहण करेंगे सारे काल नक्षत्र सब के सब आकर के एक साथ में महाप्रभु सेवा के लिए सब के सब एकत्रित हो गए। और महाप्रभु जिस समय जन्म लिए उसी समय ठीक संध्या समय था, संध्या समय था और हुआ था हाँ ये चंद्र ग्रहण हुआ। चंद्र ग्रहण होने पर आपका यहाँ पर क्या करते हैं हमको पता नहीं, हमारे भारत में अगर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण हुआ उसको बाद में सबके सब स्नान करने जाते हैं, गंगा जमुना हो कोई पवित्र नदी हो सबके सब स्नान करने के लिए जाते हैं। इसलिए जब चंद्र ग्रहण हुआ हर समय लोग भगवान का नाम नहीं लेते थे, अगर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है लोग जाते हैं स्नान करने के लिए और हरि बोल करते करते सब जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु इसीलिए आए जगत में ये हरिनाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए महाप्रभु आए, आने का ये कारण है। इसलिए महाप्रभु चाहते हैं मैं उसी समय में जन्म लूंगा जिस समय सारा दुनिया हरि कीर्तन करता हुआ होगा, हरि बोल करते हुए होंगे, उसी समय में जन्म लेना चाहता हूँ, सब लोग प्रभु का नाम जप करे, प्रभु का नाम जप से जीव का उद्धार है। इसलिए सबके सब बलिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, बल श्री सचिनंदन गौर हरि की, बल श्री नित्यानंद प्रभु की, सबके सब हरि बोल करते 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 जा रहे थे। उसी समय महाप्रभु ठीक संध्या समय में सच्ची माँ का लाला बन करके श्रीमन महाप्रभु जन्म ग्रहण करते। महाप्रभु जब जन्म ग्रहण किए श्री वृंदावन दास ठाकुर का ये अभिन्न व्यास थे, जैसे कृष्ण लीला को श्री व्यास देव जी ने वर्णना किया, कहते महाप्रभु की लीला को भी कोई अभिन्न व्यास देव ये वृंदावन दास ठाकुर रूप में आए, बड़े सुंदर रूप में उनकी जन्म कथाओं को बड़े अद्भुत रूप में वर्णना किया है, जिसमें स्वयं शंकर जी माता पार्वती ब्रह्मा ब्रह्माणी इंद्र सची ये सब के सब क्यों महाप्रभु जन्म लिए ठीक संध्या समय में, वो थोड़ी सा अंधकार अंधकार था हाँ, उसी समय सबके सब देवता आकर के महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उनको स्तुति गा रहे हैं महाप्रभु को, बड़ी प्यारी प्यारी भजन गा रहे हैं सब महाप्रभु को, क्योंकि उनको पता है महाप्रभु जितने अवतार में सबसे श्रेष्ठ अवतार, मतलब सब अवतार सार शिरोमणि, इसलिए हमारे श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं बोले परमा करुणा पोहो दुई जना निताई गौर चंद्र तरा सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद खंद, आ देखो रे भाई त्रिभुवन नाय हे मन दयाल दाता, आ पशु पाखी जुरे पासर बिदरे सुन
सबसे बड़ा दयालु महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सबके सब देवता महाप्रभु की स्तुति स्तव कर रहे थे। महाप्रभु जो सारे देवता ने स्तुति स्तव किया श्री जगन्नाथ मिश्र हाँ सारा दुनिया के लोग दर्शन के लिए आए, उन्होंने बहुत दान दक्षिणा दिया। जैसे नंद बाबा हाँ जैसे नंद बाबा खूब दान दक्षिणा लुटाए, उसी तरह जब महाप्रभु आए जगन्नाथ मिश्र भी जितने लोग वहां पर आए थे सबको हाँ सबको उन्होंने मिठाई चॉकलेट सबको हाँ खीर और बढ़िया बढ़िया चीज महाप्रभु ने वो क्या किया तुम कल के जो देखी बताई लो मिठाई कहते उन्होंने सबको उन्होंने कभी सबको उन्होंने खूब दान दक्षिणा दिया। पूरा नवद्वीप वासी महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए और सबके सब गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कभी कृष्ण ही अभिन्न महाप्रभु रूप में आए इसलिए सबके सब भजन गा रहे थे। देखो आज हम लोग ने महाप्रभु जन्म हुए आज महाप्रभु की जन्म की कथा हमने सुना है, कल हम सुनेंगे महाप्रभु आने का चार कारण है। हमने तीन कारण सुना। पहला कारण क्या सुना, कलयुग में आने का एक कारण है हरिनाम प्रचार करना, ये एक कारण। दूसरा कारण है ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के वो जो ब्रज प्रेम को महाप्रभु जगत में प्रदान करते हैं, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण बताए इस जगत में आने का, ये अद्वैत आचार्य ने भगवान को बुलाया, तुलसी और दल देकर बुलाया। इसका जो सबसे श्रेष्ठ कारण है हाँ ये साधारण कारण है। जगत में आने का जो सबसे श्रेष्ठ कारण है बोले राधा रानी का प्रेम की क्या महिमा है, राधा रानी का जो प्रेम है प्रेम की क्या महिमा है राधा जी के प्रेम में, ये सबसे श्रेष्ठ कारण है। इसलिए कल हम आज महाप्रभु कथा कल हम ये कारण सुनेंगे और महाप्रभु जिस कारण की वजह से यहाँ पर आए हैं राधा रानी के प्रेम की विशेष महत्व श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में उन्होंने उसका बहुत बढ़िया व्याख्या किया है। राधा रानी कौन है, उनका प्रेम में क्या चीज है जो कि कृष्ण स्वयं कलयुग में उनके भाव और अंग का अतिक लेकर के आए हैं, इसलिए कल हम उसकी कथा हम सुनेंगे। ठीक है कल राधा रानी कथा सुनेंगे, कल राधा रानी की भी जन्म लेंगे। इसलिए आज तो मैंने कल बोला था आज सब पीले पीले रंग के साड़ी पहन कर आना, सब पीले पीले कल गुलाब रंग की साड़ी पहन कर आना, क्योंकि यहाँ के भक्त लोग बोलते हैं हमारे पास में ज्यादा गुलाबी साड़ी है हमारे पास क्योंकि कभी जब हलांड है तो हलांड का यहाँ रंग है गुलाब रंग हाँ? जितने सब झंडा सब लगाया सब गुलाब रंग की झंडा है सबके सब, क्योंकि ये होली लैंड है ना, हलन मतलब होली, आज भी राज्य में होली रे रसिया, और जो होली का जो गुलाल का जो रंग है वो सफेद कलर है, इसलिए यहाँ का कलर है मैंने देखा बहुत बढ़िया कलर है, यहाँ का जो कलर है हलन का वो सफेद कलर है, क्योंकि ये होली लैंड आज भी राज्य में होली रे रसिया, जो होली जो खेलते हैं गुलाल का रंग ही रंग है पीक रंग है हाँ जी जगन्नाथ जी ये रंग को जगन्नाथ जी पहन कर रखे हैं श्री जगन्नाथ जी। इसलिए कल हम लोग सुनेंगे राधा रानी की महिमा हाँ राधा रानी की महाप्रभु किसके कारण है और महाप्रभु कुछ कथा सुनेंगे और जो परसों हमारी कथा समाप्त है परसों हम सुनेंगे श्री जगन्नाथ जी कथा सुनेंगे। जगन्नाथ जी की बहुत अद्भुत महिमा है, उन्होंने ऐसे रूप किए क्यों लिया है और महाप्रभु पुरी में किस भाव से श्री जगन्नाथ जी का रथ को खींचते हुए ले जाते थे हाँ द्वारका से सुंदराचल कैसे महाप्रभु ले जाते, ये रथ यात्रा है क्या चीज, हम इसी विषय पर बहुत बढ़िया गुरु जी ने बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखे हैं जिसमें गौरव गोविंद महाराज उन्होंने जो कथा को संग्रह किया सबसे बेस्ट कथा है, सबसे बढ़िया कारण श्री गौरव गोविंद महाराज ने इस चीज को लिखे अद्भुत रूप में लिखे जगन्नाथ जी ऐसे क्यों है, इसको हम सुनेंगे परसों
जगन्नाथ जी कथा सुनेंगे और उसको सातवां दूसरी अन्नकूट महोत्सव मनाएंगे। लास्ट का दिन उस दिन लास्ट का दिन है, लास्ट का दिन है, इसलिए हम उस दिन श्री गिरिराज की महोत्सव करेंगे। परसों लास्ट जगन्नाथ जी कथा और गिरिराज गोवर्धन की कथा सुनेंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर। देखो हर बार क्या, दो साल तीन तीन साल से कहीं दो साल होगा, मैं राधा अष्टमी में ही आता था, राधा अष्टमी में मैं यहाँ पर आता था, लेकिन इस बार हम किसी कारण से मैं कहीं फंस गया, मैं कहीं फंस गया किस कारण से, मैं उसी समय में ही आना चाहता था राधा अष्टमी, मैंने बहुत कोशिश किया उनको मनाने के लिए, लेकिन वो समय ऐसा हो गया, ऐसे समय हो गया उस समय प्रवास में, और समय नहीं हो पा रहा है, इसलिए और मैं किधर चला जाऊंगा, इसलिए राधा अष्टमी में नहीं आ पाऊंगा, इसलिए कल हम राधा रानी की जन्म महोत्सव राधा अष्टमी के लिए मनाएंगे। ठीक है, हाँ आप जो कुछ ये गाओ बधाई, कुछ बधाई कीर्तन गाओ, बधाई के कीर्तन गाओ, जियो श्याम लो तो जय, उसको भजन गालो ये तो, उसको बधाई का कीर्तन गालो। गालो और कृष्ण को बधाई भी निकाले। Thank you.
Prabhu,
Oh,
I'm gonna make it.
गणेश जी को जय करिए धागी गाद गोविंद की राधा विनोद बिहार की जो कीजिए राधा गोपीनाथ की जय राधा मदन मोहन की जय राधा श्याम सुंदर की जय राधा दामोदर की जय राधा माधव की जय राधा रमन की जय ओम विष्णु पाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्त वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज श्री गोविदेव की जय नित्य लीला पुष्प पाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्त वेदांत वामन महाराज की जय नित्य लीला पुष्प पाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्त वेदांत त्रिविक्रम महाराज की जय नित्य लीला पुष्प पाद श्री गोविंद गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला पुष्प पाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्त वेदांत स्वामी महाराज की जय नित्य लीला पुष्प पाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला पुष्प पाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्ति रूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला पुष्प पाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्ति अक्षय श्री गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला पुष्प पाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय नित्य लीला पुष्प पाद स्तोत्र सत्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय नित्य लीला पुष्प पाद परमहंस श्री गौ किशोरदास बाबू जी महाराज की जय नित्य लीला पुष्प पाद सच्चिदानंद श्री भक्त विनोद ठाकुर की जय नित्य लीला पुष्प पाद वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज की जय श्री गौरी वेदांत आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय श्री नगोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु राय की जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय श्री स्वरूप दामोदर गाय रामानंद ऋषि गोप सारविंद की जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय भगव से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री शिव सदि गौर भक्त विंद की जय श्री अंत दीप माया पुष्पंत दीप गुरुम दीप मध्य दीप कोल दीप हित दीप जन दीप पद गुरुम दीप गुरु दीप आत्मक श्री नव दीप धाम की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन द्वार स्वरात्मक श्री भ्रज मंडल की जय श्री श्याम कुंड गाल कुंड जमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय श्री जगन्नाथ भद्र सुभद्र जी की जय नरसिंह भगवान की जय भक्त प्रभु श्री बालाज महाराज की जय चार संप्रदाय की जय कर्म तेज श्री चैतन्य मत की जय श्री गौरी वेदांत समिति की जय श्री गिरधारी गौरी मत अगणनीय सकम समूह की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय समागत भक्त वृंद की जय बोलिए श्री सचिनंदन गोहरी की जय नित्यानंद प्रभु की जय प्रेम से बोलो गिरिराज गोविंद महाराज की जय ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की जय विश्वानु नंदनी राधा रानी की जय गोप्रेम नंदे हरि बोल ओम वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवास च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वंचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीपाद भक्ति वेदांत